आर न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हम इस वक्त हैं दवाई की दुकान पर जो कि सिविल हॉस्पिटल के सामने है, हरियाणा मेडिकल स्टोर। उनके संचालक हमारे साथ हैं और जिस तरीके से आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, जो उसके सुरक्षा कवच है, दवाइयां हैं जो सुरक्षा की, उनकी किल्लत कहीं ना कहीं हो गई है। जो मास्क मुंह पे लगाने का होता है उसकी किल्लत हो गई है, जो हाथ को लगाने का होता है सैनिटाइजर उसकी कहीं ना कहीं किल्लत हो गई है। तो बस सीधा जानते हैं क्यों ये हुई है, एकाध कितने समय से ये लोग परेशान हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं दुकानों पे, उसका क्या असर पड़ा है, लोग इनसे लगातार मांग रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ जो सुरक्षा कवच है कोरोना से बचने के लेकर के, मास्क जो कभी एक रुपये में मिलता था आज किल्लत क्यों हुई, क्या बात है? मास्क डंप हो गए हैं जी, कोरोना वायरस की वजह से किल्लत आनी आनी थी, पूरी मार्केट में खरीद सब ब्लैक में बिक रहे हैं, ना तो सैनिटाइजर है मार्केट में, ना मास्क है, ना 2.5 एयर पोल्यूशन वाला मास्क है, कोई सा भी मास्क अवेलेबल नहीं है। 3 लेयर का वो भी 20-40 रुपये बिक रहा है, मास्क मार्केट में है ही नहीं, सब ब्लैक हो रहे हैं। तो क्या जो होलसेल की दुकानें हैं उन पे भी नहीं है या लोगों ने स्टॉक कर लिया पैसा कमाने के लिए? उन्होंने स्टॉक कर लिया है, पैसा कमा रहे हैं, सीधी बात तो ये है। तो आपको लगता है प्रशासन को इस पे सतर्क होना चाहिए थोड़ा सा? प्रशासन को इस पे सतर्क होना चाहिए और पब्लिक को भी जागरूक करना चाहिए, कुछ अफवाह भी फैल रही है इस वजह से पब्लिक ने इसको डंप कर दिया। तो लेकिन हमें जो जानकारी मिली, सैनिटाइजर तो दुकानों में पड़े रहते थे, कोई लेने वाला नहीं था और आज एक जैसे उसकी डिमांड बढ़ी है, मीडिया में प्रचार प्रसार हुआ है कि इसको लगाने से बचाव होता है, तो क्या उसके बाद ही किल्लत हुई? और इसके बाद ही किल्लत हुई, इससे पहले कोई नहीं पूछता था। तो देखिए ये जो कहीं ना कहीं आम आदमी को एक और सरकार जो है सचेत कर रही है कि कोरोना से बचने के लिए सफाई रखें, सफाई अभियान चलाएं और स्वच्छता रखें, कहीं ना कहीं उससे बचाव किया जा सकता है। जो छोटी छोटी मेडिकल है जो 10 रुपए की शीशी थी आज उसकी भी कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो गई है। जब इस खबर को कवर करने लगा तो दुकानदार ने स्वयं हमें भी एक मास्क दिया कि मोहनलाल जी भले ही किल्लत हो लेकिन जो 10-20-50 अपने मिलने वालों के लिए रखे हैं वो आप लगाइए और उसके बाद खबर को कवर कीजिए, कहीं मीडिया इस चपेट में ना आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो डर है वो लोगों के दिलों में बैठ गया है और इसकी जो मारामारी कहीं ना कहीं सैनिटाइजर की और मास्क की जो हो गई है उसको लेकर के लोग सकते में है। दुकानदार हमारे साथ है, ये भी सिविल हॉस्पिटल के पास ही दुकान है सामने, क्योंकि ये दो दुकान इतनी महत्व है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, ओपीडी सबसे ज्यादा है और कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल होने के नाते लोगों की उम्मीद है कहीं इन दुकानों से ज्यादा है दवाइयों की कि यहाँ तमाम चीजें मिलेगी। क्या कहेंगे, क्यों किल्लत आई है, आपके पास भी किल्लत है? किल्लत बहुत हो रखी है, मास्क तो है नहीं मार्केट में, ये भी जो आपको दिया है ये भी सिंपल वाला है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ दुनिया N20 ने जो भी मांग रही है वो नहीं है 3 लेयर वाला, तो मार्केट में है ही नहीं। ऊपर से किल्लत तो ऊपर से सैनिटाइजर की भी हो रखी है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कोई भी नहीं है, कल इतनी डिमांड आई है सारी, मतलब स्टॉक आउट हो गया सबका, कोई माल नया नहीं दे रहा, जो दे रहा है महंगा दे रहा है। तो क्या लोगों ने स्टॉक कर लिया बड़े बड़े होलसेलरों ने खाली कमाई करने के लिए, क्या लगता है आपको? ये हो रहा है, कई आए हैं आज, कई डीलर आए हैं कि भाई हम इतने में दे रहे हैं, इतने में दे रहे हैं, ये काला बाजारी हो रही है थोड़ी बहुत, थोड़ा देना चाहिए पब्लिक हेल्थ के हिसाब से, थोड़ा अच्छा सा मतलब सही ध्यान तुम दो ताकि पब्लिक और थोड़ी सेफ्टी रहे, इसको मतलब बिजनेस ना बनाओ। तो देखिए कहीं दुकानदार ये है और स्वयं ये भी समझा रहे हैं कि एक नैतिकता कोई चीज होती है कि एक दुकानदार को या होलसेलर को समझना चाहिए कि इस टाइम ये महामारी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना वायरस की हुई है उसको लेकर के काला बाजारी जो होने लगी है वो अपने आप में शर्मसार करती है, एक जो चीज 2 रुपए की 10 रुपए की
जैसे डिटॉल की सीसी यानी कि जिस तरीके से सैनिटाइजर ये बता रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं थी, न जल्दी से को ले जाता था, लेकिन जैसे ही मीडिया में इसका प्रचार हुआ तो उसके बाद जो बड़े बड़े होलसेलर है जो कालाबाजारी करने वाले हैं उन लोगों ने उसका माल जो बाजार से स्टॉक कर लिया है, दुकानदारों ने भी कुछ हद तक कर लिया है। कुछ दुकानदार है जो इंसानियत के नाते जो भी आता है अपने मिलने वाले को जो थोड़ा बहुत स्टॉक है वो कहीं ना कहीं सप्लाई होता है, जैसा कि आप मेरे यहाँ लगा हुआ मास्क देख सकते हैं। इन्होंने हमें एक शीशी भी दी है सैनिटाइजर की कि मोहनलाल जी आप अपना बचाव रखिए। तो जाहिर है अगर किसी के पास स्टॉक है वो लालच ना करके लोगों को दे, एचआर न्यूज ये अपील करता है और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं चाहिए कि इस तरीके का एक मैसेज दे कि इस चीज़ों की कालेबाजारी ना हो, क्योंकि हर आदमी का जीवन कीमती है और उसे बचाना एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी।